हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास टू की वर्कशीट नंबर सिक्सटी फोर जो कि सात सितंबर दो हज़ार इक्कीस की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीक है तो चलिए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है चित्र पहेली दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए देखिए ये वाला है चित्र एक और ये है चित्र दो जब चित्र दो को बनाया जा रहा था तो उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं हमें उन्हें ही ढूंढना है कि गलतियाँ क्या हैं और अपनी नोटबुक में लिख अपने टीचर्स के साथ शेयर कर देना है तो देखिए पहली गलती तो क्या है जो इस बंदर ने पकड़ रखा यहां पे है यहाँ पर तीन पत्तियाँ हैं आगे की साइड जबकि यहाँ पर सिर्फ दो पत्तियाँ हैं फिर अगर हम देखें बंदर के बाल यहाँ पे तीन उभार हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ दो हैं इसके अलावा हम देखते हैं तो बंदर के यहाँ पे दो सर्कल बना रखे हैं जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सर्कल नहीं है तीन अंतर हो गए इसके अलावा इसकी बंदर की पूँछ देखो यहाँ नीचे की साइड है जबकि ये पूँछ यहाँ पे ऊपर की साइड उठ रही है तो ये चार गलतियाँ हमें मिल गई तो इन्हें ही हमें लिखना है और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर देना है ठीक है अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न है इल्ली और बिल्ली बच्चों चित्र में कुछ संख्या इल्लियाँ हैं देखो ये हैं ये सारी इल्ली हैं जिनके ऊपर कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं इन पर एक से पचास तक संख्याएं क्रम से लिखी हुई थीं लेकिन इनकी कुछ संख्याएं बिल्ली ने चुरा ली है यानी इनके ऊपर एक से लेकर पचास तक संख्याएं लिखी हुई थीं पर इनमें से कुछ जो संख्याएं हैं वो बिल्ली ने चुरा ली क्या आप इनकी चुराई गई संख्याएं लिखकर इल्लियों की मदद करेंगे तो हमें क्या करना है जो संख्याएं यहाँ से हट गई हैं यानी बिल्ली ने चुरा ली हैं वो यहाँ पर लिख हमें कम्प्लीट करना है आप अपनी कॉपी में इन इल्लियों को बनाकर संख्याएं पूरी कर सकते हैं तो आपको क्या करना है अपनी कॉपी में पहले इन इल्लियों को बनाना है बनाने का क्या तरीका है बहुत सिंपल आप एक ऐसे गोला बनाएंगे ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे इसकी आंखें बना देंगे यहाँ पे, फिर इसका मुंह बना देंगे यहाँ पे इसकी नाक बनाएंगे, और ऊपर से इनकी ये बना देंगे और इसके पीछे ऐसे गोले गोले लगाते जाएंगे ये इस तरीके से इल्ली आपकी बन जाएगी ठीक है अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स नहीं हैं उन नंबर्स को कंप्लीट करना है तो चलो इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं अब देखो यहाँ पे नंबर है एक दो तीन अगला नंबर क्या आएगा अगला नंबर आएगा चार फिर आएगा पाँच फिर है छ फिर है सात उसके बाद आठ उसके बाद नौ और फिर दस इन्होंने लिख रखा है उसके बाद ग्यारह भी लिखा हुआ है फिर आ जाएगा बारह फिर आ जाएगा तेरह फिर चौदह लिखा हुआ है ठीक है मैं एक काम करती हूँ इन संख्याओं को इन बॉक्स के नीचे लिख देती हूँ जिसको ये संख्याएँ आपको अच्छे से नज़र आ जाएँ ठीक है एक दो तीन हो गई चार पाँच छ सात आठ नौ और दस बन रखा है ग्यारह भी बना हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बारह फिर तेरह चौदह बना हुआ है फिर यहाँ पे पंद्रह सोलह सत्रह बना हुआ है यहाँ पे अट्ठारह और यहाँ उन्नीस बना हुआ है और यहाँ पे लिख देंगे हम बीस उसके बाद यहाँ आ जाएगा इक्कीस बाईस उन्होंने लिख रखा है उसके बाद है तेईस फिर है चौबीस पच्चीस भी यहाँ पे लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे छब्बीस यहाँ पे आ जाएगा सत्ताईस यहाँ पे अट्ठाईस लिखा हुआ है फिर यहाँ आ जाएगा उनतीस और यहाँ आ जाएगा तीस ठीक है अब देखो हो सकता है कि आप लोग इसको गिनती को इंग्लिश में लिखते हो तो आप इसको इंग्लिश में काउंट करोगे वन टू थ्री देन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर अगले में आ जाएगा इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन फिर सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी फिर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी तक कंप्लीट हो गया इसके बाद यहाँ पे है थर्टी वन और नीचे आ जाएगा थर्टी टू यानी कि बत्तीस फिर थर्टी थ्री यानी कि तैंतीस यहाँ चौंतीस यानी थर्टी फोर लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे थर्टी फाइव यानी पैंतीस फिर थर्टी सिक्स यानी छत्तीस फिर थर्टी सेवन यानी कि सैंतीस लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे अड़तीस थर्टी एट फिर थर्टी नाइन उनतालीस और यहाँ पे है चालीस इकतालीस भी लिखा हुआ है यानी फोर्टी वन लिखा हुआ है फिर हम लिख देंगे फोर्टी टू यानी कि बयालीस यहाँ पे है फोर्टी थ्री यानी कि तिरालीस फिर हम लिखेंगे फोर्टी फोर यानी कि चवालीस इसके बाद आ जाएगा आ, देखो यहाँ पे हम लास्ट वाली लाइन को दोबारा से लिखते हैं फोर्टी वन लिखा हुआ था यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्टी टू यानी बयालीस तिरालीस लिखा हुआ है यानी कि फोर्टी थ्री फिर हम लिखेंगे फोर्टी फोर यानी कि चवालीस फिर हम लिखेंगे फोर्टी फाइव यानी कि पैंतालीस फिर हम लिखेंगे फोर्टी सिक्स यानी कि छियालीस फिर फोर्टी सेवन यानी सैंतालीस फिर फोर्टी एट लिखा हुआ है और यहाँ लास्ट वाले में हम क्या लिखेंगे फोर्टी नाइन यानी कि उनचास और लास्ट में पचास ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हमने अपनी सारी एक से लेकर पचास तक की गिनतियाँ कंप्लीट कर ली हैं ठीक है थेके? अब आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कोई कहानी सुनाइए तो आप अपने बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कोई भी कहानी सुना सकते हैं और पशु पक्षियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू